ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत हमें सहारा भी दिया और तमाम इदारों को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि इंशाअल्लाह वो सियालकोट पुलिस के साथ तावन भी करेंगे एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इंशाअल्लाह। आपके सामने बात एफ आई आर दर्ज कर रहे हैं अभी। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं अभी कोर्ट से निकला हूँ और तमाम कानूनी कार्रवाई और ऑनरेबल जज साहब ने एक बहुत अच्छा हमारा सहारा बने हैं, हमारा वो उन्होंने हमारा हौसला भी बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि वट एवर मीन्स लीगली हैं आपने वो इम्प्लॉय करने हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जो हैं डिटेनू को सेफ रिकवर करेंगे। हमने माजी में देखा कि पेपर वर्क नहीं मुकम्मल किया जाता और आपने मुकम्मल पेपर वर्क किया इमरान रियाज को एयरपोर्ट से लेकर थाने तक, तो रोज़ नामचे के हवाले से भी जैसा बात करते हैं कि ये बड़ा अहम है, तो आप क्या समझते हैं कि जो SHO नीचे जो अमला है उसको रोज़ नामचे और जो कानून के मुताबिक चीज़ों का इंदराज है वो बहुत ज़रूरी है? ऑनरेबल जज साहब की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि पुलिस रूल्स के मुताबिक मेंटेनेंस ऑफ जो ये रजिस्टर नंबर 2 है ये ज़रूरी है और अगर उसमें कोई कमी कोई कोताही है तो इंशाल्लाह ताला हम उसको ठीक भी करें। जो फुटेज पेश की गई है वो मुख्तलिफ टोटों के अंदर जोड़ कर पेश की गई है, अगर उसके अंदर जेल के कोई भी लोग इन्वॉल्व होते हैं कानूनी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? ये अभी आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट पे नहीं कह सकता कि वो जो फुटेज थी उसमें कोई एडल्ट्रेशन है या अमेंडमेंट है एज वी आर स्पीकिंग। सर जब इमरान साहब को छोड़ा गया तो जो बाहर लोग थे उनको कैसे पता चला गया अभी छोड़ा जा रहा है, वो गाड़ी लेके उधर उस वक्त कैसे पहुंच गया, कोऑर्डिनेशन थी कोई? काश मेरे पास वक्त से पहले तफ्तीश का वो होता, मैं अभी निकला हूँ। मुलाकात हुई है सेक्टर कमांडर साहब के साथ, मुलाकात कैसी रही और कितने पुर उम्मीद हैं वो और आप कितने पुर उम्मीद हैं कि इमरान रियाज जो है 48 घंटों के बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिले? मैं आपको ये बात बड़ी क्लियरली बता दूँ, ऑनरेबल कोर्ट से लेकर यहाँ तक जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ, सब मेरा ना सिर्फ हौसला बन रहे हैं, उनकी फैमिली भी आपने देखा बिल्कुल है, वालिद साहब भी मतलब मेरे पास सिर्फ ये है कि मुझे मेहनत करनी है और जाके इंशाल्लाह ताला इस केस को मैंने सॉल्व करना है। तमाम ने जी इंशाल्लाह ताला मुझे फुल सपोर्ट दी और यकीन कीजिए इस अदालत आलिया ने हमें जितनी ढारस बांधी है, जितनी हमारी जो कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, अगर हम पहले 24 घंटे काम कर रहे थे तो हम इस केस में पूरी कोशिश करेंगे इस 48 आवर्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ अपनी टाइमलाइन से पहले। सर आप बाजियाब करो, आप हमारे हीरो हैं इंशाल्लाह। मीटिंग कैसी रही मीटिंग से? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना पॉजिटिव इदारे ने कितनी यकीन दहानी करवाई, आप मेरे चेहरे से, मेरे मोरल से, मेरी आवाज़ से आप सारी प्रोसीडिंग देख रहे हैं और मैं किसी वजह से कह रहा हूँ कि तमाम इदारे ऑनरेबल जज साहब से लेकर एवरी वन, हमारा इस वक्त सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है इज टू सॉल्व दिस केस। थैंक यू। आपने मांगे या सेक्टर कमांडर ने मांगे? देखें ये मैंने मांगे हैं और तफ्तीश का कोई पहलू जो है वो अनटर्न नहीं रखा जाएगा क्योंकि साइंटिफिक तफ्तीश है, उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है, बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व होता है। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। ये DPS सेलकोट हसन साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी उन्होंने उम्मीद दिलाई और बड़ी उम्मीद थे कि इमरान साहब जो हैं उनको जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। उनकी मीटिंग भी हुई ये सही के सेक्टर कमांडर से और उन्होंने अदालत में बताया कि हम जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब के वालिद साहब से हसन साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेशन के लिए रब्ता किया और उनका माथा भी चूमा। इमरान साहब के जो वालिद हैं उन्होंने DPO साहब से कहा कि आप अपने नाम की लाज रख लेना क्योंकि इनका नाम हसन है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे वालिद की जगह हैं, मेरे अपने वालिद भी जो हैं वो आपकी एज के हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको होस्ट करूंगा, आप और आपका जो बेटा है इमरान रियाज वो मेरे मेहमान होंगे कुछ दिनों में मेरे घर में। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात सामने आई है। अभी 48 घंटे का वक्त है, अभी जो उनकी गुफ्तगू थी उससे लग रहा था कि कोई जो उम्मीद की खबर है वो आने वाली है।